एक भाई साहब हैं जो पूछते हैं कि आप हर वीडियो में वीडियो को लाइक करने क्यों बोलते हैं, इस बात का खुलासा कीजिए। लाइक करने से क्या होता है? देखिए, वीडियो को हम अगर लाइक करने बोलते हैं, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी वीडियो बनाने वाले अगर यूट्यूब पे वीडियो को लाइक करने बोलते हैं तो इससे उसको कोई इनकम या कोई पैसे नहीं मिलते। बस इतना होता है कि जो आप लाइक करते हैं ना, तो आपके लाइक की वजह से वीडियोस को यूट्यूब वाले और आगे बढ़ाते हैं, यूट्यूब वाले और लोगों तक जो है उन वीडियोस को पहुंचाते हैं। यही एक फ़ायदा है लाइक करने का। आप ज़्यादा लाइक करेंगे किसी वीडियो को तो गोया कि वो वीडियो लोगों तक यूट्यूब ज़्यादा पहुँचाएगा, ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुँच पाएगी। इसलिए हम लोग वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। उसके बाद हमारे एक एक बहन जी सवाल करती हैं कि छोटी बच्ची को कौन से तालीम देना चाहिए, अगर मदरसे में हम पढ़ाते हैं तो उसे क्या पढ़ाना चाहिए, कुरान का हाफिज़ा बनानी चाहिए या फिर उसको आलेमा कोर्स पढ़ानी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आपने पूछा है। अगर किसी बच्ची को आप पढ़ाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल से उसको आलेमा कोर्स कराइए बच्ची को, और पढ़ाने की कोशिश कीजिए कि वो इल्म दीन हासिल करें और ज़रूरी मसाइल को सीखें। चूँकि हमारे आज के माशरे में आप देखेंगे तो हमारी इस्लामी बहनों में सबसे ज़्यादा जो कमी है वो इल्म दीन की है, और इल्म दीन की कमी होने की वजह से सबसे ज़्यादा घरों में जो है बेबरकती पैदा होती है। इसलिए आप ज़रूरी मसाइल कम से कम हर औरतों को चूँकि सीखना ज़रूरी है, तो इसलिए मसाइल सीखने के काबिल, इतने काबिल तो आप अपनी बच्चियों को बना दें कि वो ज़रूरी मसाइल को समझ सकें, ज़रूरी मसाइल पढ़ सकें और किताबों से निकाल सकें। तो आप अपनी बच्चियों को हाफिज़ा बनाएं ना बनाएं, उससे पहले ज़रूरी मसाइल की जो है ना ज़्यादा ताकीद की गई है। तो इसलिए आप आलेमा कोर्स में दें तो बच्चियों के लिए ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर हाफिज़ा और किसी बच्ची को बना देते हैं तो वो हाफिज़ा बनने के बाद हो सकता है कि वो कुरान को भूल जाए, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हमेशा उसका जो है ना पढ़ना वो जारी ना रहे, कंटिन्यू अगर ना रहे तो फिर वो कुरान को भूल जाएंगे। तो कुरान के भूलने की सूरत में भी एक अलग से गुनाह उसके ऊपर आएंगे। तो इसलिए मेरी राय यही है कि बच्चियों को आप दीनी तालीम से ज़्यादा मुज़य्यन कीजिए और ज़रूरी मसाइल वो जो है समझ सके, ज़रूरी मसाइल जान सके, इतना इल्म उनके अंदर ज़रूर दीजिए। तो ये आलिम कोर्स में ही होता है, आलिम कोर्स कराने की कोशिश कीजिए। आपके पास भी अगर कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो कीजिए और वहाँ पर DM कीजिए एंड डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, और अपना सवाल जो है मैसेज में रख सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट में भी सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपके भी सवालों का जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।